हेलो बच्चों लेट्स तेजी दिस क्वेश्चन दी क्वेश्चन से इस फो थ्री वेक्टर यू वेक्टर वी वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू एनी ऑफ द रिमेनिंग थ्री तो इनमें से तीन एक्सप्रेशन तो इसके लिए सही होंगे लेकिन जो तीसरा चौथा एक्सप्रेशन होगा वो इनमें किसी के एक के तीनों के सेम नहीं होगा तो हमें वो एक्सप्रेशन बताने की कौन सा होने वाला है तो देखो इस क्वेश्चन के लिए हम की कंसेप्ट कौन सा यूज़ करने वाले हैं की कंसेप्ट हमारा होगा अब हमें यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ पे बॉक्स ए बी सी क्या होता है अब देखो यहाँ पे बॉक्स ऑफ ए बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर अब ये अब इसको इक्वल और कर सकते हैं अगर हम साइकिल ऑर्डर देखें एक ये साइकिल ऑर्डर क्या होता है जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे ए है हमारा यहाँ पे बी है हमारा यहाँ पे सी है मतलब कि अगर हम इनको ऐसे अरेंज करें जैसे कि अगर ए के बाद बी आए बी के पास सी आए सी के बाद ए आए ये ऑर्डर चेंज नहीं होनी चाहिए इनको कहीं भी लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी डॉट सी करॉस ए तो ये भी साइकिल ऑर्डर के देखो कैसे क्योंकि बी के बाद सी आ रहा है और सी के बाद ही ए आ रहा है तो एक साइकिल ऑर्डर ये है तो ये भी इसके इक्वल होगा अब यहाँ से अगर मैं लिखूँ सी डॉट ए करॉस बी ये भी साइकिल ऑर्डर में है सी ए बी तो ये भी इक्वल होगा तो ये तीनों आपस में इक्वल होने वाले हैं अब देखो अब क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो ए ऑप्शन क्या दे रखा है हमें यू वैक्टर डॉट वी वैक्टर क्रॉस w वैक्टर अब ये दे रखा है अगर इसको बॉक्स में लिखें U V W का बॉक्स बनता है अब बी की तरफ चलें तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है हमें वी क्रॉस W डॉट यू वी क्रॉस W डॉट यू अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं बॉक्स के फॉर्म में तो यहाँ पे आ जाएगा वी वेक्टर W वेक्टर और यहाँ पे आ जाएगा हमारा यू वेक्टर तो ये आ गया अब देखो ये हमारा साइकिल में साइक्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हमारे इसको कैसे ये देखो यहाँ पे अगर साइक्लिक ऑर्डर लिखा जाए तो क्या आता है सबसे पहले U V और फिर W तो देखो यहाँ से W के बाद U है U के बाद V है और V के बाद W है तो हमारा ऑर्डर मेंटेन कर रहा है तो ये दोनों इक्वल होंगे हमारे अब चलिए थर्ड ऑप्शन की तरफ थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है V डॉट U क्रॉस W अब जब इसको लिखेंगे हम तो हमारा यहाँ से क्या आएगा वी यू W. अब देखो यहाँ पे हमारा जो साइकिल एक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि यहाँ पे V के बाद U आ रहा है U के बाद W आ रहा है V के बाद U, U के बाद W जो कि हमारा साइकिल वो डिस्टर्ब कर रहा है तो ये हमारा इनसे अलग हो जाएगा अब ऑप्शन नंबर D की तरफ देखें अगर देखो इसको अगर हम इक्वल तो बनाना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ से हमको इनकी वैल्यू इंटरचेंज करनी पड़ेगी और ये बनेगा नेगेटिव में तो यहाँ से ये हो जाएगा यू वी डब्ल्यू अब डी ऑप्शन की तरफ देखा जाए तो क्या है यू क्रॉस वी डॉट W, यू क्रॉस वी डॉट W, तो so, इसका बॉक्स क्या बन रहा है यू वी W, तो so, ये भी हमारा सही साइकिल ऑर्डर में है और ये सिर्फ ये हमारा सबसे अलग आ रहा है जो कि है नेगेटिव में तो देखो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर वी डॉट यू क्रॉस डब्ल्यू सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप वेल बेस्ट ऑफ लक